हैं कचरा गुरु, आप सबको अपने YouTube चैनल कचरा गुरु में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आज 9 वर्ष के पहले दिन आपसे मिल रहा हूँ एक खास वीडियो के साथ, जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ये देखते जाइए, ये मछली आप आनंद लेंगे, जरूर आनंद लेंगे इन मछलियों का नए साल में। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा इस नए वीडियो में मछलियों में लगने वाले रोग, मेरे जो इस टेरिस गार्डन में मछली पालन हो रहा है, कचरे से जो मछली पालन हो रहा है उसमें कौन सी बीमारी आई है, मैं आपसे जरूर शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, इत्मीनान से देखिए, हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन धैर्य रखिए। आज दो तरह की बीमारियों से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, कंप्लीट प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। और आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं वह मछली पालन पे है। आज हमारे इस छत का टेम्परेचर 5 डिग्री आया है सुबह, आज दिसंबर 20 तारीख है। देखिए मैं आपको यह दिखाता हूँ आज का टेम्परेचर स्क्रीनशॉट 20 दिसंबर आप लाइव देख रहे हैं, या आज हमारे छत पे जो तापमान है उसको आपने देखा। और अब आप हमारे इन मछलियों को देखेंगे। इस टैंक में मैंने 5 अक्टूबर को मछलियों का संग्रहण किया है। सबसे पहले मैं इनको नेचुरल एटमॉस्फेयर देने का प्रयास किया है। ये रिसर्च मेरा इस साल का तालाब मॉडल पे है, जिस तरह से जमीन पे तालाब की खुदाई की जाती है और तालाब में गोबर डाले जाते हैं, चूना डाले जाते हैं, नमक डाले जाते हैं, सेम सिस्टम मैंने इस तालाब में विकसित करने का एक प्रयास किया है। और मैंने जो इसमें मछली का जीरा डाला था वो सिंगी और मांगुर दोनों ही था। आज जीरा डाले हुए लगभग तो 2.5 महीने हो रहे हैं। इसमें आप इसका ग्रोथ भी देखेंगे। और टेम्परेचर गिरने के कारण मछलियां खाना कम कर रही हैं, खाना कम होने के चलते उनमें तरह तरह के रोग भी नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ संक्रमित हो रही है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जो आपके साथ साझा करने वाला हूँ, उन तमाम दोस्तों के लिए अहम है जो हम लोग पिछले 2 माह में पटना मीठापुर फार्म में जो ट्रेनिंग लिए थे। हमारे जितने मित्र अलग अलग जिले से आए हुए थे, जिसमें लखीसराय, भोजपुर, कैमूर और भी कुछ जिले के मित्र थे, जो हम लोग साझा ट्रेनिंग लिए थे मीठापुर फार्म में मछली उत्पादन को लेकर के, या मछली के हेची, बहुत सारा अब लंबा चौड़ा एक ट्रेनिंग 1 सप्ताह का हम लोगों ने लिया। तो हम लोग आज यहाँ एक फीडबैक देखेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी मित्र साथी हम लोग ट्रेनिंग लिए थे, कुछ ना कुछ अपने यहाँ कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ सब लोगों को बढ़िया एक मीठा अनुभव मिल रहा होगा। और हमको लगता है कि आपको भी शेयर करना चाहिए, मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखिए मेरे इस अनूठे प्रयोग को, आप तो जमीन पे कर रहे होंगे और मैं अपने छत के ऊपर कर रहा हूँ, जमीन से लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ। और देखते हैं कि इसमें क्या स्थिति है। आप तो इंडस्ट्रियल फीड खिला रहे होंगे और मैं घरेलू कचरा खिला रहा हूँ, दोनों में आसमान जमीन का अंतर। तो इस अंतर को हम लोग कैसे कम करें, दूरियों को पाटें, खर्च को कम करें, मेरा यही प्रयास है। और आइए मैं आगे ये चर्चा करता हूँ, देखता हूँ कि इस टैंक में क्या हलचल है, क्या स्थिति है। चलिए, तो मैं सबसे पहले जो पॉजिटिव है उसको शेयर करता हूँ, फिर जो स्थिति है आगे बताऊँ। देखिए ये मछलियों का इसमें ग्रोथ है, लगभग ये मछली
का लंबाई 7 इंच या 8 इंच का है और इसकी भी लगभग वही स्थिति है। तो ग्रोथ ये 2 महीना या 2.5 महीने का ग्रोथ है आपके सामने है, एक ग्रोथ देख लीजिए 2 महीना 2.5 महीने का ग्रोथ है मछली का इस प्रैक्टिकल टैंक में जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इस पर हम और आगे चर्चा ये करते हैं। तो आप देखें इस हमारे टैंक में जलकुंभी के नीचे 2 मछलियाँ छुपी हुई थी जो मर चुकी है, ये ऊपर थी इसका मतलब कि मरी हुई अस्थि है। इसमें देखिए, इसमें गौर से देखने वाली बात है कि ये जो देख इसका पोर्शन देख रहे हैं ये फूला हुआ है, ये एब्डोमेन इसका जो है फूला हुआ है देख रहे हैं, बहुत इसके सारे नस जो है तीतर बीतर हो चुके हैं और देखिए किस तरह से ये टाइट है, पूरा एब्डोमेन टाइट है और नेचुरल कलर भी खो चुकी है, इसमें इनके पास नेचुरल कलर नहीं दिखाई देता है। तो ये एक मछली है जो हमको लगता है कि ये बैक्टीरियल अटैक है, इन पर बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ये जो बैक्टीरिया इस पर अटैक है इसमें एडोमोनस पक्टेटा नामक बैक्टीरिया का ये अटैक है। एडोमोनस पीला भी एक बैक्टीरिया है जो इस तरह से मछलियों को ग्रसित करता है और ड्रोप्सी इस बीमारी का नाम ड्रोप्सी बीमारी है। इसके लक्षण हमको लगता है कि सब लोग देख लिए हैं कि बीमारी का लक्षण क्या है और इसको अब आती है बात नियंत्रित करने की, नियंत्रित कैसे करें। ऐसी बीमारी है कि सारे तालाब की मछलियों को तबाह कर देगी, इसमें से जो बैक्टीरिया निकलेंगे अब तो ये डेड बॉडी हो गई, तो इसमें से सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे और दूसरे मछलियों को इन्फेक्टेड करेंगे। दवा भी आती है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन करके दवा है, तो ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दवा भोजन में जो मछलियों को हम लोग फेंक देते हैं उसमें मिला करके दिया जाता है ताकि मछलियाँ खाएँ और निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए। लेकिन स्थिति यहाँ यह है कि टेम्परेचर 5 डिग्री और मछलियाँ भोजन तो कर नहीं रही हैं, तो फिर आखिर कैसे नियंत्रण किया जाए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दवा तो है, इलाज है, लेकिन दवा खाएंगे नहीं मछलियाँ। तो इस स्थिति में हम लोग दूसरे और स्रोत तलाशेंगे कि कैसे इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण बहुत बड़ी चीज़ है, अन्यथा बहुत बड़ी रिस्क है जाड़े के सीजन में मछली पालन। और दूसरी मछली की भी हम स्थिति देख लेते हैं कि उसमें क्या स्थिति है। इस मछली में तो पस भरा है आपने देख लिया, तो दूसरी मछली को मैं देखता हूँ कि उसकी क्या स्थिति है। आप देखेंगे आपको साझा करूँगा मैं। तो देखिए इसमें बहुत भी स्पष्ट है, इसका देखिए ये पंख सड़ रहा है और रेड स्पॉट ये दिखाई दे रहे हैं, रेड स्पॉट इस तरह से रेड स्पॉट नजर आ रहे हैं, देख लिए ये एक दो जगह और है। तो रेडॉक और पिनडॉक जैसी बैक्टीरिया भी हमारे इस टैंक में आ गए हैं ये स्पष्ट हो रहा है, इससे मछलियां मर रही है। इसमें भी जो स्थिति है मछली का कलर देखिए अभी लग रही है कि बहुत तुरंत ही मछली मरी है ये, इसमें स्थिति इसका आँख वगैरह भी बहुत ये है। सुडोनोमस साल्मोनी सीरा नामक बैक्टीरिया से प्रभावित हुई है, इसका हम लोग इलाज इसका उपचार भी हमको जानना जरूरी है, नहीं तो पूरा मेरा तालाब डिस्टर्ब। इसके लिए हम लोग नीला थोथा का भी प्रयोग कर सकते हैं और कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, उटिया का भी प्रयोग कर सकते हैं इस बीमारी से नियंत्रण करने के लिए हम इस तरह के दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें जो लगता है कि सब कुछ कुछ आहार से देने वाली है, कुछ पानी में मिला कर देने वाली है,
तो इस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल करने की आगे की बात ये आते हैं। मछलियां भोजन ग्रहण नहीं कर रही हैं, इस स्थिति में मेरा किया गया सारा प्रयास भी हो गया। तो एक विकल्प बनता है, बचता है, जिसको कि हम लोगों को करना चाहिए। वो विकल्प यह है कि पॉन्ड ट्रीटमेंट, पॉन्ड का हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पॉन्ड ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। ये स्थिति ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिकों द्वारा, रिसर्चरों द्वारा बताया गया है। तो हम लोग आइए पॉन्ड ट्रीटमेंट ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग देखिए, मैं ब्लीचिंग पाउडर पहले से ही घोल करके रखा हूँ और इसको मैं इस तरह से इसका ट्रीटमेंट मैं करूंगा। तो इस तरह से हम लोग आज पॉन्ड ट्रीटमेंट किए हैं, रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग इस अभियान को, इस रिसर्च को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप साथ देते रहेंगे। इस रिसर्च में आप शामिल हैं ऐसा आप अपने आप को महसूस करेंगे। और उन तमाम साथियों के लिए जिनके साथ मैंने भी ट्रेनिंग लिया इस फिश फार्मिंग का, अगर नहीं कर रहे हो तो देखिए आगे आप मार्च से शुरू कीजिए। मैं तो थोड़ा रिस्क लेकर ठंडा से शुरू किया, लेकिन आप मार्च से शुरू कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए।